बहुत भूख लग रही है, रोटी देना। माँ, हम रोज नमक और रोटी क्यों खाते हैं? कभी सब्जी क्यों नहीं बनाते? अपने यहाँ बस नमक ही होता है। माँ, आज हमारे स्कूल में ज्यादा नमक खाने के नुकसान पर टॉपिक लिखने को दिया है। बता ना माँ, ज्यादा नमक खाने के क्या नुकसान है? घड़ा दिमाग ना खा, वो आ गया तेरा बाप। दिमाग चाटना है तो जा उसका चाट। क्या हुआ? होना क्या था, अब की बार भी कुछ नहीं हुआ। खेत में बारिश का पानी और ठहर गया। बापू बापू, ज्यादा नमक खाने के शरीर में क्या नुकसान है? बेटा, शरीर का तो मुझे पता नहीं, पर खेत में नमक ज्यादा होना तो उसका बहुत नुकसान होता है। घर में कुछ भी बचा हो तो खारी जमीन खा जाती है और खाली घर मेरे को खाने को आता है। ये तेरी माँ मुझे सेठ जी जैसी लगती है, जिसका मैं रोज कर्जदार हो रहा हूँ। आजा आजा। पर बापू, जिस तालाब में हमारी गायें पानी पीती है वो भी तो खा रहा है। जब वो नहीं मरती तो हमारी फसल क्यों मरती है? और उस तालाब में बहुत सुंदर सुंदर मछलियां हैं, वो भी मस्ती करती हैं। बापू, एक काम करो, हमारे खेत को भी तालाब बना लो, गायें भी वही नहा लेगी और मैं मछलियों के साथ खेल भी लूंगी। बापू, कुछ मुर्गियां भी पाल लेंगे, घर का दूध, घर के अंडे, बड़े मजे करेंगे। अब कहाँ चल दिए? मछली पालने। मिट्टी में नमक है तो फिर मछली का तालाब बना लो, ना हो फसल सुनहरी तो क्या पानी में मोती उपजा लो। चाहे परत हो खारे की, चाहे जमीन हो चोए की, हो दो बीघे या दो एकड़, बिना झिझक मछली पालो, मछली का तालाब बना लो। सब दुख खुद ही मिट जाएंगे, अच्छे दिन जल्दी आएंगे, एक नहीं है लाभ कई, चाहे पशुओं को नहला।